लेकिन मिस ईरान मलिका अमीना का उस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना और उसका अंग प्रदर्शन करना उसके देश के लोगों को पसंद नहीं आया। वहां उसके अगेंस्ट प्रदर्शन शुरू हो गए और उसे देश निकाला दे दिया गया। तब से मलिका बेवतन हो चुकी है और अमेरिका में रह रही है। मलिका ने तब से महिलाओं पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुहिम सी छेड़ रखी है। वो सारी दुनिया में घूम घूम कर वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही है। رنگ زرد سایه چشماشو نگاه تفته یه جده بافت از اینجو فکر میکنه یه جورا میره که با ما فرق میکنه میگه ما خزاخیدیم باید بریم موزه تو خیابونم میشیم براش سوژه احساس قلبی من تم پوش نمیشه معرفت ممار کن به دلی نمیشه احساس قلبی من تم پوش نمیشه معرفت Hi Melika, I saw your video and heard about your sufferings. I wanna be your friend. चार दिन बाद शादी है और जा भी रही है। चली जाएगी ना मुझे छोड़ के अब। ए मानसी। अरे तू भी तो आ रही है शादी में, तो तू शादी के बाद मेरे साथ रहेगी क्या? रहेगी तो अपने पति के साथ ना। आखिर तेरी भी तो शादी होगी ना। वो तो सबकी होती है, उसमें क्या है। वैसे मानसी, मैंने ना तेरे जैसी अजीब लड़की नहीं देखी आज तक। दिल्ली जैसे शहर में रहकर ना तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड, ना तुझे किसी से प्यार हुआ, ना कोई अफेयर, और अब देखो गांव जाके शादी कर रही है, वो भी अरेंज मैरिज। हाँ तो मैं अरेंज इस अरेंज लव। हट, मैं तो लव मैरिज करूंगी। फिर देखेंगे शादी शुदी। आर्यन, क्या आर्यन, इतनी रात को फोन किया तुमने? हाँ मैं तुमसे, मैंने फोन किया था इसलिए कि कुछ वो बात बतानी थी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। कौन सी, क्या बात है? बताओ। मानसी, आई लव यू मानसी।
ये बात तो तुम मुझे जिंदगी भर कहोगे, तो इतनी रात को क्यों फोन किया? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मानसी। डायल किया हुआ नंबर इस समय बंद है, कृपया कुछ समय बाद पुनः कोशिश करें। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। डायल किया हुआ नंबर इस समय बंद है, कृपया कुछ समय बाद पुनः कोशिश करें। सुहानी उठाना। आर्यन का फोन आया था, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसका मोबाइल भी बंद है। तेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है? हाँ है। तो एक काम कर, उन्हें फटाफट फोन लगा। हाँ अभी करती हूँ। हाँ आंटी। हेलो, आर्यन कहाँ है? आर्यन वो अपने कमरे में सो रहा है बेटा। एक बार जरा जाकर देखिए ना उसके रूम में, प्लीज आंटी एक बार जाइए ना। मैं जाकर कमरे में देखूं? क्यों, क्या क्या कोई परेशानी की बात है क्या? अभी उसका फोन आया था कि वो कहीं जा रहा है। एक मिनट, सुनिए उठिए ना। अरे क्या है? ये मानसी कह रही है कि आर्यन के कमरे में जाकर देखो। क्या हुआ? वो आर्यन ठीक तो है ना? पता नहीं, बहुत घबराई हुई लग रही थी। चलिए ना, चलकर देखते हैं उसको। पता नहीं क्या बात है, इतनी रात में फोन किया है। चलिए। अरे तुम भी ना। पता नहीं क्या बात है, सो रहा होगा, थका हुआ आया है, सो गया होगा। चलिए देखते हैं। चिंता मत करो तुम, देखो जगाओ उसे, जगाओ। दरवाजा अंदर से बंद है। आर्यन, आर्यन, आंटी क्या हुआ? आर्यन, आर्यन दरवाजा खोल। आर्यन, 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 बेटा आर्यन, बेटा आर्यन, तूने क्या किया? क्या हुआ है आर्यन को? आर्यन, क्या हुआ है बताओ आंटी, क्या हुआ? आर्यन, अपनी माँ को छोड़ के तू कहीं नहीं जा सकता, बेटा। क्या हुआ आंटी, कुछ बोलिए ना। सुहानी देखना क्या हुआ है। आर्यन, आर्यन मेरा बच्चा। क्या हो रहा है वहां पर सुहानी? ये क्या हो रहा है, ये रो क्यों रहे हैं? सब रो रहे हैं, क्या हुआ, क्या हो रहा है? ये तो आर्यन का मेल है, देख क्या। मानसी तुम ये बात कैसे कहो, मैंने मेरा सब कुछ खो दिया है। जब तक तुम ये पढ़ रही होगी तब तक मैं ये दुनिया छोड़ चुका होगा। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एड्स है, मगर ये मुझे कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या हमारे परिवार वालों को नीचे देखना पड़े। मैं इस दुनिया में भले ही ना रहूं, मगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। आई लव यू मानसी, आई लव यू। जब से मिला है तू मुझ में बसा है तू, मेरी जिंदगी की पहली वफा है तू। तेरे ही वास्ते हूँ खुद से मैं जुदा, मेरी जिंदगी की पहली सुबह है तू। क्योंकि तुमसे ही, तुमसे ही यादें जुड़ी है, क्योंकि तुमसे ही, तुमसे ही बातें भी।
इश्क दिया मैंने तुझे टूट कर, एक पल भी जीना पाई तुझे भूल कर।